शहर के मसूदा रोड बाड़ी घाटी में विगत लंबे समय से पीने का पानी नहीं मिलने से यहां के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल समस्या समाधान के लिए शुक्रवार को बाड़ी घाटी के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बाड़ी घाटी के निवासियों ने बताया कि बाड़ी घाटी रिसलपुर पेयजल लाइन से जुड़ा हुआ है। लगभग 2 माह से यहां पर पेयजल वितरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहां के निवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शीघ्र पेयजल समस्या का समाधान कर यहाँ के निवासियों को राहत दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में नारायण सिंह, जशोदा कादर काठात, हुसैन काठात, महेंद्र काठात, जमीला नारायणी कुवरी देवी और गीता देवी सहित अन्य शामिल रहे। बाड़ी घाटी गड्डी थोरियान में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। कनेक्शन हो रखा है लेकिन कॉलोनियों वालों को पानी दे दिया, इस वजह से हमारे तक पानी नहीं आ रहा है। और कम से कम 50 कनेक्शन अभी तक हुए नहीं है। कनेक्शन हो गया पर चालू नहीं किया, क्योंकि वो लोगों को पानी देते तो हमारे तक आ रहा नहीं। ना तो सरपंच सुनता है ना PhD वाले, इसीलिए आज हम कलेक्टर साहब के आए गए। 2 महीने से हमारे पीने का पानी नहीं आ रहा है और पीछे जो हमारी लाइन में से अवैध कनेक्शन दे दिए हैं उनसे क्या कि वो उनका पानी का डाल डलान जो पड़ता है उनके ज़्यादा चला जाता है, हमारे बिल्कुल पानी नहीं आता है। 2 महीने से हम पानी के लिए परेशान हैं। सरपंच और लाइनमैन और AN साहब और जैन साहब के पास भी हम जाकर आए हैं, उनसे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, आज कल आ जाएगा, आज कल आ जाएगा, परसों कर देंगे, तरसों कर देंगे, तरसों कर देंगे, ऐसा करके हमको ध्यान देकर भेज दिया जाता है। और हम 2 महीने से पूरे ग्रामवासी, बाड़ी घाटी वासी परेशान हैं पानी की समस्या से।